अहिले हामीसँग समक्ष हुनुहुन्छ आसामका कांग्रेस पार्टीका लोकसभा एमपी गौरव गगोई र वहाँ सिक्किमको निम्ति कांग्रेस पार्टीका सिक्किम इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँले आएर यस प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ सिक्किमको यो जुन पोलिटिकल जुन सिनारियो क्रिएट भएको छ यसमाथि र हामी उहाँसँग जान्नेछौँ कांग्रेस पार्टीले सिक्किमको पोलिटिकल सिनारियोलाई कसरी हेरिरहेको छ आपको स्वागत है सिक्किममै सिक्किम में जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है अभी जो अलायंस हुआ है बीजेपी का और एसकेएम का जो बाई इलेक्शन का जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी ये एसकेएम और बीजेपी के बीच में एक अनएथिकल और इमोरल अलायंस हुआ है जिसके कारण आज सिक्किम का जो संवैधानिक जो अधिकार है 371F जो संवैधानिक अधिकार है आज वो खतरे में आ चुका है। हमने देखा है कि जब बीजेपी ने दिल्ली में अब केंद्र सरकार बनाया है एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट डिस्टेबलाइज हो गया है, कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के कारण, कभी एनआरसी के कारण, कभी नागा पीस फ्रेमवर्क के कारण, बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, सिर्फ डिस्टेबलाइज का काम किया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि सिक्किम में पिछले इलेक्शन में मात्र 2% वोट पाने के बाद भी आज वो अपनी हॉर्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स सिक्किम में लाया है, खरीद बाय एंड लूट की पॉलिटिक्स वो लाए हैं, पैसों की पॉलिटिक्स लाए हैं, मसल पॉलिटिक्स वो लाए हैं। और इसीलिए आज सिक्किम के लोग जान चुके हैं कि बीजेपी झूठे उम्मीद दिखाती है, झूठे सपने दिखाते हैं, और एसकेएम जो एक पार्टी थी जो बहुत लोग सोचते थे कि इट बी अ पार्टी ऑफ डिफरेंस, परिवर्तन की पार्टी होगी, लेकिन पता चला कि एसकेएम के कारण ही आज बीजेपी सिक्किम में घुसी है। एसकेएम एक ट्रोजन हॉर्स बन गई है जिसको बीजेपी ने एक बैकडोर एंट्री के रूप से बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया है। और हमने भी देखा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन इमोरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया है वर्तमान की सिक्किम को मुख्यमंत्री को, और उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी और एसकेएम का अलायंस हुआ है, सीटों का बंटवारा हुआ है, वो तो साफ साफ जाहिर है। सिक्किम के लोग भी वो राजनीतिक बहुत रूप से समझते हैं, दे अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो उनको भी पता है कि क्या एक इमोरल अलायंस हुआ है। और इसलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है कांग्रेस पार्टी के लिए। लोग आज जान गए हैं कि इतिहास में आज तक कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की पॉलिटिक्स की है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सिक्किम 371F कांग्रेस ने दिया है, और आज होल पूरे देश में संविधान जो खतरे में है, संविधान की सुरक्षा करना और विभिन्न प्रदेशों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। ये सब जो डिमांड आप लोग ने, आपने जो पॉइंट उठाया उसको फुलफिल करने के लिए मीन्स इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस सिक्किम कांग्रेस में एक भी बाई इलेक्शन में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप अन्याय हो रहा है और अन्याय होने के समय आपने पहले दिन ही उस अन्याय का विरोध नहीं किया तो वो अन्याय धीरे 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 उसको लोग मानने लगेंगे, लोग उसको स्वीकारने लगेंगे। अगर आज जो इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में सिक्किम में एसकेएम पार्टी को जो रिलीफ दिया है, जो एक इमोरल अनहोली अलायंस हुआ है, इस इनजस्टिस के खिलाफ हम पहले दिन से ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग सोचेंगे ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स, इलेक्शन कमीशन ऐसा ही करेगा, इलेक्शन ऐसा ही होगा, कोई भी बीजेपी आएगा ऐसे ही रीजनल पार्टी को तोड़ेगा। तो इसके खिलाफ हमने पहले दिन से आवाज़ उठाया है, और इसलिए हमने हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हम और एआईसीसी ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम प्रोटेस्ट के लिए एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग हम इस इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे, नहीं तो अगर हम इलेक्शन में शामिल होंगे तो मतलब हमने भी सोच लिया है कि यही तरीका है, हमने भी कबूल कर लिया है इलेक्शन कमीशन को, हमने नहीं कबूला है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसीलिए हमने विरोध के रूप में इस निर्वाचन में भाग नहीं लिया है। सिक्किम में नेशनल पार्टी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि अभी बीजेपी आ गई है फिर भी इसका बहुत विरोध भी हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अभी कैसे सिक्किम में अपना एक्टिविटीज़ कैसे आगे बढ़ाएगा, क्या काम करेगा, क्या पॉलिसी है फ्यूचर के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ और इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के सेंटिमेंट्स और लोगों के सेंटिमेंट्स, यूथ की एस्पिरेशन को मैं समझता हूँ,
और इसलिए मैंने कहा कि जब मैं दिल्ली में जब मैं पार्लियामेंट में मैं एक लोकसभा सांसद दो बार चुन के आया हूँ, तो जब मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊँगा तो मैं सिर्फ अपने असम के लिए नहीं, मैं सिक्किम और अन्य नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आवाज़ उठाने वाला हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि आज सिक्किम के लोगों को लगना चाहिए कि लोकसभा में उनको एक और सांसद उनको मिल गया है, वो है हमारा कांग्रेस पार्टी का सांसद। और आने वाले लोकसभा जो विंटर सेशन होगा उसमें लोकसभा हो राज्यसभा हो, सिक्किम के जो कुछ मूल मुद्दे हैं, लोगों की जो बातें हैं, हम आने वाले विंटर सेशन में उठाएंगे। और हम आने वाले समय में यूथ के साथ काम करेंगे, यूथ क्लब्स गाँव में यूथ क्लब बना के उनसे हम पूछेंगे कि आप लोग बताओ कि सिक्किम में किस प्रकार का काम होना चाहिए, किस प्रकार का पॉलिटिक्स होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हो, जिसमें पॉलिटिक्स जो सिक्किमी सब्जेक्ट्स का जो एक उनका जो एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन का भी रिस्पेक्ट हमको मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो हम भी गांव-गांव में जाके खुद हम घूम के यूथ क्लब्स और अन्य लोगों महिलाओं के साथ लेके, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत से सिक्किम के लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, पुणे में पढ़ते हैं, बैंगलोर, लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल, दिस इज द होप, दिस न्यू जनरेशन। एक सोच है कि नेशनल पार्टी यहाँ के जो रीजनल लोग है लोकल पीपल के सेंटिमेंट को नहीं समझ सकते, जो अंदर की बात वो नहीं समझ सकते, तो इसलिए वो लोग नेशनल पार्टी को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखिए तो हर स्टेट के रीजनल सेंटिमेंट्स को हमने समझा है, शिलोंग अकॉर्ड हो, मिजो अकॉर्ड हो, असम अकॉर्ड हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो, 371F हो, नेपाली भाषा का रिकग्निशन हो, इनकम टैक्स बेनिफिट हो, ये कौन लाया है? तो कांग्रेस पार्टी लाया है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने काम से दिखाया है कि हमने नॉर्थ ईस्ट के और सिक्किम के जो अलग अलग जो इंटरेस्ट है उनको हम समझते हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सिर्फ नाम चेंज किया, लोक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया। बीजेपी ने आज NRC में लाया, NRC में 1,00,000 आज गोरखा समाज लोग आज NRC से बाहर हैं, पर उनको भूल दिया है, उनको इग्नोर कर दिया है, उनके बारे में बोलते नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके लिए आज आवाज़ उठा रही है, मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो आज लोग साफ साफ एक उनका नज़रिया जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ आज वो बदल रहा है, और आज के पॉलिटिक्स में लोग देख रहा है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, 371F का प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज कविता शर्मा रिपोर्टिंग फॉर सिक्किम क्रॉनिकल।